आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा, आपको किसी और दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगा। आजकल एलर्जी की वजह से भी बहुत सारे लोगों के साथ एलर्जी का मसला रहता है, इस नुस्खे को आप किसी भी एलर्जी के लिए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको आराम मिल जाएगा, वो भी 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह ताला। तो चलिए, आपने ड्रिंक बनाना किस तरह से, नीम के दरख्त के पत्ते ले लेने, आपने 1 कप पत्ते ले लेने और उसके ऊपर जो गोल गोल उसके बीज लगे होते हैं, उसका जो फल होता है, नमोलियां जिसे कहते हैं, 1/2 कप आप वो ले लें। पत्तों को और नमोलियों को अच्छी तरह से पीस के चटनी बना लीजिए और इस चटनी को 2 कप पानी में डालें या 1 कप पानी में डालें या 1 गिलास पानी में डालें और इसको आपने पकाना है। इस तरह से उनका असर जल्दी निकल जाएगा और वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो उसके बाद आप इसको छान लें, 4-5 मिनट पकाएं, उसका असर पानी में चला जाएगा। उसके बाद उसको छान के पानी अलग कर लीजिए और बाकी उस अंदर जो पत्ते वगैरह में निकाल दीजिए। इस पानी को आपने सुबह निहार मुंह पीना है, अगर आप ज्यादा नहीं पी सकते आप 1 कप पी लें, लेकिन आपने लाजमी पीना है, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके अंदर आपने कोई चीनी नमक कुछ नहीं मिलाना, दवा भी कड़वी होती है इसी तरह से ड्रिंक भी थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आप जो है ना वो हिम्मत करके पी जाए, एलर्जी से भी तो आपको छुटकारा चाहिए। और इसके साथ आपने क्या करना है कि आपके चेहरे पर एलर्जी है या जिस्म पर है, सर में है, बाजुओं पर, कहीं भी है, तो आपने नीम के पत्ते और इसी तरह से नमोलियों का जिस तरह से हमने पानी निकाला है, इसको आप ज्यादा मिकदार में, यानी कि 2 गिलास 3 गिलास इस तरह से जितना आपका एलर्जी का मसला है उतना पानी में इसको पका लें और फिर उस पानी से आपने नहाना है या एलर्जी वाली जगह पर लगाना है। यानी कि मान लें आपके चेहरे पर एलर्जी है तो आपने उस पानी से 2 दफा मुंह धोना है, आपके बाजुओं पर एलर्जी है तो आप 2 दफा दिन में इससे बाजू धो लीजिए। उसके बाद सादा पानी से धोने की जरूरत नहीं है, उसी पानी से धो लीजिए सुबह के टाइम और रात के टाइम बस। तो आप देखिएगा कि ये पानी पीने से और साथ में ये पानी के साथ चेहरा धोने से या नहाने से आपकी किसी भी किस्म की कितनी भी शदीद एलर्जी होगी इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नुस्खा बिल्कुल आजमुद्दा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अल्लाह का नाम लेके आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो अब टिप और हमारी खत्म हो चुकी है, अब चलते हैं आज के लेसन की तरफ, जिसमें मैं आप लोग को ये कहूंगी कि अपने दिन का आगाज सदका से करो। जिस दिन आप अपने दिन का आगाज सदका से करोगे उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। इस पे गौर के साथ साथ, इस पे गौर तो क्या ही करना है, आप अमल जरूर करिएगा, ठीक हो गया। तो अब जो लोग नए हैं चैनल पे या पहली वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस का मैसेज मिल जाए। मैसेज आपको किस तरह से मिलेगा, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा आपको जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक करें और उसके साथ ही एक बटन आ रहा है जिसपे बेल बनी हुई है, घंटी बनी हुई है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करें। इससे ये होगा कि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको फौरन मैसेज मिल जाएगा और आप फौरी तौर पर वीडियो देख सकते हैं। और आपने जब सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद बेल पे क्लिक करना है, पहले नहीं करना, पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करें फिर बेल पे क्लिक करें। और इसके साथ मुझे फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती